नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2। आज हम इसका पहला प्रश्न करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका प्रथम भाग है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। मान लो कक्षा में लड़कियों की संख्या बराबर है x, लड़कों की संख्या बराबर है y, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। इसका मतलब लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या ये बराबर होगी 10 के। लड़कियों की संख्या है x प्लस लड़कों की संख्या है y बराबर होगा 10 के। यहां से ये ही था, ये जब बराबर के उधर जाएगा, अभी ये यहां प्लस वाई है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई। तो इस प्रकार से हमारे पास पहली समीकरण आ गई है जो बराबर है एक्स बराबर 10 माइनस वाई के। आइए अगला देखते हैं। अगली कंडीशन प्रश्न में थी, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियां हैं x, वो y से 4 ज्यादा होंगी, तो x बराबर होगा y प्लस 4। यहां पहले ही y राइट साइड पर है तो इसलिए हमें इस इक्वेशन में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण आ गई, x बराबर y प्लस 4। आइए अब हम इन दोनों समीकरणों को पहले बीजगणितीय उसके बाद ग्राफीय रूप से हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है x बराबर 10 माइनस y। आइए इसे हल करके देखें। सबसे पहले हम y की वैल्यू लेंगे 4, तो x कितना बन जाएगा? ये जो इक्वेशन है हमारे पास x बराबर 10 माइनस y, इसमें y की जगह पर हम y का जो मान ले रहे हैं वो लिखेंगे, तो 10 माइनस y की जगह लिख देंगे 4, तो 10 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6। एक बार फिर हमने y की वैल्यू ली 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 माइनस y की जगह लिख दिया 5, तो 10 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 5। फिर से एक बार हमने y की वैल्यू ली है 3, तो x कितना आ गया? 10 माइनस y की जगह लिख दिया 3, तो 10 माइनस 3 हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। ये हमारे पास पहली समीकरण हल हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी समीकरण जो कि है x बराबर y प्लस 4। तो इसके लिए पहले हम y का मान लेंगे 1, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में y की जगह लिखेंगे 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस 4, y की जगह लिखा 1, तो 1 प्लस 4, और 1 प्लस 4 कितना होता है? 5। इसी प्रकार से y की वैल्यू लेंगे माइनस 3, तो इक्वेशन में y की जगह लिखेंगे माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया 1, और साइन बड़ी रकम का प्लस, तो x आ गया प्लस 1। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू रखेंगे 0, तो जब y 0 रखा तो x हो गया 0 प्लस 4, और 0 प्लस 4 होता है 4। तो ये जो हमारे पास टेबल है इसे हम अगली स्लाइड पर लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे पास y और x की वैल्यूज आई थी, और दूसरे समीकरण x बराबर y प्लस 4 में ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आई थी। तो ये तो हो गया अभी बीजगणितीय रूप। अब हमें इसका ग्राफीय रूप देखना है, क्योंकि ग्राफीय विधि से ही हमने इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप के लिए हमने एक ग्राफ बनाया है जिसमें x अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 तक और माइनस 1 से माइनस 10 तक, इसी प्रकार से y अक्ष पर 1 से लेकर 8 तक ऊपर और माइनस 1 से माइनस 8 तक नीचे हमने ये ग्राफ बनाया है। सबसे पहले जो हमारी समीकरण है वो है x बराबर 10 माइनस y। इसका जो पहला पॉइंट है वो है x बराबर 6 और y बराबर 4। तो देखिए, वह जो बिंदु होगा वो यहां पर आएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ग्राफ में, ये बिंदु, ठीक है, ये है x बराबर 6 और y बराबर 4। इसके बाद दूसरा जो बिंदु है वो है y बराबर
एक्स बराबर पांच, तो x की तरफ को भी 5 और y की तरफ को भी 5, ये बिंदु। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु है x बराबर 7 और y बराबर 3, तो x बराबर 7 और y बराबर 3 हमारे पास ये बिंदु आ गया है। तो इन तीनों बिंदुओं को फुट्टे की मदद से जोड़ते हुए ये हमारे पास एक रेखा आई है, और ये जो रेखा होगी यह इस समीकरण x बराबर 10 माइनस y को दर्शाती है ग्राफ पर। आइए अब हम दूसरी समीकरण देखें। दूसरी समीकरण है x बराबर y प्लस 4। इसके लिए जो पहली वैल्यू हमारे टेबल में आई थी वो आई थी x बराबर 5 और y बराबर 1। तो देखिए ये x की तरफ को 5 और y की तरफ को 1 जो है ये गया है, तो यह बिंदु हमारे पास आया है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है x बराबर 1 y बराबर माइनस 3, तो वो ये बिंदु हमारे पास आया है। और इसी प्रकार से जो तीसरा बिंदु है x बराबर 4 और y बराबर 0, अब ये बिंदु कैसे लेते हैं, x की तरफ को तो 4 जाना है लेकिन y अक्ष की तरफ जाना ही नहीं, तो वो बिंदु कहाँ आएगा, ये x अक्ष पर ही आएगा। जब y 0 है तो वह बिंदु x अक्ष पर आएगा, x 0 होता तो यह बिंदु y अक्ष पर आता, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को जोड़ने वाली हमने एक रेखा बनाई जो कि इस समीकरण x बराबर y प्लस 4 को दर्शाती है। अब हमें सिर्फ ग्राफ नहीं बनाना है, हमने ग्राफीय विधि से इन दोनों समीकरणों का हल निकालना है। बच्चों ये याद रखिएगा, कभी भी दो समीकरणों का ग्राफीय विधि से हल निकालना हो, हल किसके बराबर होगा, हल उस बिंदु के बराबर होगा जहां दो लाइनें आपस में मिल रही हैं। आई रिपीट, हल किसके बराबर होगा, उस बिंदु के बराबर होगा जहां ये दो लाइनें मिल रही हैं। कौन कौन सी लाइनें, ये लाल वाली रेखा और ये हरी वाली रेखा जहां मिल रही हैं जिस बिंदु पर, ठीक है। ये देखिए ये वाला बिंदु है जहां ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, ठीक है। आइए मैं फिर से आपको दिखाता हूं, यही बिंदु है ना जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं। देखिए ये वाला बिंदु है, ये जिसे मैं पीले रंग से अंकित कर रहा हूं, इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिली। और ये बिंदु कैसा है, x बराबर 7 और y बराबर 3। देखिए x की तरफ को 7 तक आए, y की तरफ को 3 तक आए, है ना बच्चों। तो ये बिंदु हो गया x बराबर 7 y बराबर 3। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों का जो हल है वो है x बराबर 7 y बराबर 3, इन दो समीकरणों का हल है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या था, लड़कियों की संख्या हमने शुरू में ली थी x के बराबर और x कितना आया है 7 के बराबर, इसका मतलब लड़कियों की संख्या हो गई 7। लड़कों की संख्या बराबर थी y के और y हमारे पास आया है 3, तो इसका मतलब जो हमारी कक्षा है उसमें लड़कियां हैं 7 और लड़के हैं 3। यही इस प्रश्न में हमें ग्राफीय विधि से निकालना था। आशा करता हूं इतने सारे इफेक्ट्स डालने से, इतने सारे एनिमेशंस डालने से मैंने इस ग्राफ को जैसे एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं तो मुझे अगली बार और ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। धन्यवाद।